मुझे एक बात बताइए कि अगर 50 ग्राम का साबुन 10 रुपए का मिलता है तो 100 ग्राम साबुन कितने रुपए का मिलना चाहिए? आपकी गणित कहती होगी कि 20 रुपए का, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर की गणित कहती है कि वो साबुन 28 रुपए का मिलेगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है और इसके लिए तरुण अग्रवाल ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के खिलाफ परिवाद दायर किया है। लक्स जो साबुन आता है उसका ये पूरा मामला है। पूरा मामला तरुण अग्रवाल से ही हम जान लेते हैं। तरुण जी, ये पूरा मामला क्या है जो हम गणित समझा रहे हैं, साबुन की हमने बात की है, ये थोड़ी सी बात बताइए क्या है? सुशील जी, बड़ा लूट का एक रोचक मामला है। इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी द्वारा एक लक्स ब्रांड का साबुन बनाया जाता है जो काफ़ी चलता है हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चलता है। उस ब्रांड पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और बिना रेट देखे हम लोग ले भी आते हैं। लेकिन जब मैं कल ख़रीदारी करने गया वहाँ पर तो मैंने पाया कि छोटा साबुन है 50 ग्राम का वो 10 रुपये में मिल रहा है और बड़ा साबुन जो 100 ग्राम का है वो 28 रुपये में मिल रहा है। जबकि हमारी सोच ये होती है कि अगर हम कोई किसी भी चीज़ का बड़ा पैक खरीदेंगे तो वो सस्ता पड़ता है, या किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो आनुपातिक रूप से वो सस्ती पड़ती है। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में मैं तो देख के हैरान रह गया कि 100 ग्राम के साबुन के लिए मैं 28 रुपये दे रहा हूँ और 50 रुपये के साबुन के लिए 10 रुपये दे रहा हूँ, तो मैं क्यों ना 50-50 ग्राम के साबुन खरीदूँ, मैं क्यों फिर 100 ग्राम का साबुन खरीदूँगा। तो ये दुविधा मेरे दिमाग में कल चल रही थी और लेकिन मैं ये ख़रीद के लेके आया और मैंने विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर से भी पूछा कि साहब ये क्या मामला है, ये बड़ी चीज़ खरीद रहा हूँ तो मेरे को महंगी पड़ती है और छोटी सस्ती पड़ती है। तो उनका भी यही कहना रहा कि ये तो हम बनाते नहीं हैं ना हम MRP तय करते हैं, ये तो जो कंपनी हमें देती है हम तो आगे हमारा काम सेल करने का काम है। तो ये उन्होंने मेरे को बताया। तो ये तो इसको देखते हुए मेरे को कहीं किसी से सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ये चला कि इसको तो हमें कुछ करना चाहिए, ये लूट तो मेरे से पची नहीं इनकी लूट। तो मैंने ये परिवाद बनाया और आज मैंने इसको जिला मंच में अजमेर के अंदर ये पेश किया है। देखें आगे क्या इसमें रहता है। ये कॉरपोरेट्स की लूट किस तरीके से है जो आपको पता भी नहीं चलता है, यानी कि आपने शायद कभी कैलकुलेशन की हो इस तरीके से कि 50 ग्राम साबुन की रेट यह है, 150 ग्राम 100 ग्राम की रेट की है, लेकिन तरुण अग्रवाल ने वो कैलकुलेशन की और आपके अधिकारों के लिए उसको उपभोक्ता न्यायालय में पेश भी किया। तरुण जी, एक बात बताइए, वो साबुन ये भी तो सकता है कि उसकी पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग हो सकती है या उसकी पैकिंग कुछ चेंज हो सकती है, वो ज़रा आप समझाएंगे तो आसानी रहेगी उसके अंदर। मैं मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया भी था कि हो सकता है कि ये फ्लेवर अलग अलग हो सकता है, रोज़ का अलग रेट होती है, मिंट का अलग है, सनफ्लावर के साबुन के छोटे बड़े में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो छोटे और बड़े साबुन में कोई फ़र्क नहीं है, एक कोमा खड़ीपाई का फ़र्क नहीं है, ना प्रिंटिंग में फ़र्क है, ना पैकिंग के अंदर फ़र्क है। जो मैंने फ्रेश स्प्लैश साबुन लिया है, लक्स साबुन, वो बिल्कुल दोनों सेम है, उनके इंग्रेडिएंट्स भी सेम है, उनमें एक भी इंग्रेडिएंट्स कम और ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दोनों की सेम है, 11 जनवरी 2019 के दोनों साबुन बने हुए हैं। तो इसलिए मेरे को ये कन्फर्म है कि इसमें कोई जरूर लूट है कॉर्पोरेट हाउस की। तो ये बेहद हास्यास्पद मामला अजमेर से तरुण अग्रवाल ने परिवाद दायर कर दिया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या जवाब अपना पेश करता है और उपभोक्ता न्यायालय आपके अधिकारों के लिए क्या फैसला सुनाता है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, NPTV इंडिया, अजमेर।